वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डिनोट एज मनी रुपीस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो एक बच्चे ने कितने पैसे दिए वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल मनी डिनोटेड बाय the student of class 8। कितने पैसे उन्होंने डिनोट किए थे? 2401। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा यहाँ पर 2401 का स्क्वेयर रूट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 7 से होगा डिवाइड। ठीक है, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 3 20 21, यहाँ पर 3 बचा आपके पास में, तो 7 4 20 28, देन 2 बचा तो 7 3 20 21, ये आ गया 343। अगेन किससे डिवाइड होगा? ये 7 से होगा। ठीक है, 7 4 20 28। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास कितने बजा? 6 बजा, तो 7 9 6 7 9 63, देन अगेन 7 से होगा, 7 7 49, देन 7 1 7। ठीक है, तो 2 4 0 1 के पास अब हमारे पास में आ गए 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बना लेंगे। तो 2 4 0 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास में आ जाएगा 7 × 7, इट में से कितना हो जाएगा 49। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल 49। ठीक, सो मनी डिनोटेड बाय ईच कर दे। ठीक है, डिनोटेड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, डिनोटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो एक बच्चे ने कितना डिनोट किया यहाँ पर? ₹49। ठीक है, तो मनी डिनोटेड बाय द ईच स्टूडेंट, जो कितना उसने डिनोट किया? ₹49 उसने क्या कर दिया, इतना पैसा डिनोट किया। राइट है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन इन ईच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज द मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट ईच रो, ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सबसे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हमारे पास में? वो है हमारे पास में 2025। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट हमारे पास में कितने हैं? 2025। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2025 का स्क्वायर रूट सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट में हमको कितना दिया? 5 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 6 18। ठीक है, 2 कैरी, 3 7 21, 1 कैरी, 3 5 15 हो गया। देखेंगे किस से स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 2 6। ठीक है,
थ्री टू ज़ा सिक्स, ये वन कैरी हो जाएगा हमारे पास में, थ्री टू ज़ा सिक्स, अगेन थ्री टू ज़ा सिक्स वन कैरी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, ठीक है, अगेन थ्री से हो जाएगा, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, ठीक है, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन वन कैरी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, अगेन आप थ्री से कर सकते हैं उसको, थ्री टू ज़ा सिक्स वन कैरी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, ठीक है, देन आप फाइव से कर सकते हो, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, देन फाइव वन ज़ा फाइव, तो टू ज़ीरो टू फाइव, ठीक है। इसके मल्टीपल्स क्या आ गया हमारे पास में, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है, तो 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेयर बना लेते हैं, ठीक है, वन टू थ्री, इट मीन्स वन ये सेकेंड और ये थर्ड, तो इसका जो स्क्वायर रूट हो कितना आ गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी, कितना आ गया, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने थे, 2025, ठीक है। देन क्वेश्चन में लिखा था कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है, तो हर हर रो में कितने प्लांट होंगे, 45, और ऐसे कितनी रो होगी, 45 रो होगी, और हर रो में कितने प्लांट होंगे, 45, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रो कितनी होगी हमारे पास में, टोटल 45 होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9 and 10, ठीक है, ईच नंबर 4, 9 and 10। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर divisible, the smallest number divisible by each one of 4, 9 and 10 is their LCM, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजल बाय ईच वन ऑफ 4, 9 and 10, एक सबसे ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जो 4, 9 and 10 से डिविजल होता है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द LCM, ठीक है, तो हम LCM फाइंड कर लेंगे 4, 9 and 10, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2, 9 एज इट इज़ आपका 5 हो गया, अगेन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, अगेन डिवाइडेड बाय 5, 5 into 5, देन 9, 9 into 9, ठीक है। सो आपका LCM क्या बनेगा हमारे पास में, तो LCM क्या बनेगा हमारे पास में, देखो ये 2 into 2 into 5 into 9, ठीक है, तो आपका LCM हो जाएगा 2 into 4, 4, 5 is 20, और 20 into 9 एडमिस कितना, 180, ये आपका LCM हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया LCM। सो आगे बाय प्राइम फैक्टो राइजेशंस, ठीक है, हम इसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये 180 को लिया मैंने, इसके फैक्टर हमने फाइंड किए, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, 9 से 18, 0 का 0, अगेन 2 से करेंगे तो 2, 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2, 5 ज़ा 10, ये होगा आपका 3 से, 3, 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3, 5 ज़ा 15, अगेन 3 से होगा, 3, 5 ज़ा 15, देन 5, 1 ज़ा 5, ठीक है।
अब 180 के हम लोग यहाँ पर मल्टीपल्स लिख लेंगे, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, बट यहाँ पर एक पेयर कम हो रहा है, ठीक है। सो हमको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, बट टू मेक इट अ परफेक्ट, ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट मतलब यहाँ पर एक नंबर कम बढ़ रहा है, तो इट मस्ट यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। सो जो रिक्वायर नंबर है, ठीक है, सो द रिक्वायर नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो 180, ठीक है, 180 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा टोटल 900। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9, एंड एक क्वेश्चन जो है लास्ट 10 जो आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।